1 2 3 बस देखते जाओ कितने सारे बंदे कर दिया। वहाँ गीजर फिट हो गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो जब खोला ना ये पट्टी पूरा टप टप टप। बाहर का नजारा दिखाते हैं आपको। वो कीड़े खा रहे हैं, मैं कीड़े। एक दो तीन बस देखते जाओ कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि आजा 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 अंदर आजा। वेजिटेरियन होते हैं ना? पता नहीं अभी, ये मुझे नहीं पता। ये आजकल गाइस वो काले काले हमारे सोसाइटी में इतने कीड़े हो गए पेड़ पौधों की वजह से, पूरा घर कीड़ों से भरा है। मैं अभी वही साफ कर रही हूँ। तू कीड़े खा रहे ऐसे चाट चाट के, मैं ऐसा आराम झाड़ू लगा रही हूँ, पीछे से साइंटिस्ट अंकल की वाइफ ऐसे से मुझे साले करी, मैं क्या कर रही हूँ मेरे को लाइन से बंदर बैठे चाटने पड़ गए। कीड़े को भाई साहब ये क्या हो रहा है? अभी सुबह सुबह गार्ड आया हुआ है, इतना बड़ रहा है, क्या हो गया? कह रहा है मंकी आई, मंकी आई। हमें जो लगा कि यहाँ से आया है वो तो घर सब कीड़े खा रहे हैं। मतलब घोर कर लिया यार, मतलब बंदर कीड़े खा रहे हैं, पहली बार मैं लाइफ में देखा सच में। हैं बालकनी में अभी साफ नहीं करेगी अभी तक। इधर की बालकनी बची हुई है, ये जो काले काले दिख रहे हैं आपको, ये दिखाता हूँ। ये इस टाइप के कीड़े हैं, पता नहीं घर में बढ़ जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कीड़े हो रहे हैं। जीप निकाल के भाई साहब, क्या पहली बार देखा, पता है ऐसा होता है। फाइनली गाइस आज हमारा 3 महीने बाद अब अपने घर का पानी पियेंगे। हमारा जो आर ओ फिट करने वाला है वो इंस्टॉल करने के लिए आया हुआ था, लेकिन गधा ऐसा इंस्टॉल करके गया। दिखाना है हेमंत थोड़ा, एक मिनट रुक जा, पहले भी लगा दूं इसको, मैं फिर दिखाऊंगा आराम से। ठीक है, तो हुआ ये था, जो आया था यहाँ इंस्टॉल करने के लिए, उसने हमारा जो आर ओ है वो पूरा टेढ़ा लगा दिया और खोखली टाइल के अंदर डाल दिया। फिर जैसे ही वो गया, हेमंत ने उसमें पूरा यहाँ पर गिट्टी निकाल के वाइट सीमेंट भर के उसको पूरा स्टेबल किया, वरना कभी भी झड़के नीचे को हो जाता। और ऐसे तारों को लटका गया ना, इतना भद्दे लग रही थी। फिर अब हम लोग खुद से कर रहे हैं, मतलब हम कोई किसी को ही बुलाते हैं ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही चलाता है। फाइनली लास्ट में हमको खुद से ही करना पड़ता है इसमें जुगाड़। तो अभी हेमंत यहाँ पर खुद ही से मतलब जो तारे वगैरह हैं, क्योंकि ऐसा आपको पता है कि पहले हमने यहाँ से ज़्यादा की जगह यहाँ बनाई हुई थी, लेकिन जब से हमारा पानी रिसा है ना, मेरे को इतना डर लग रहा है। मैंने तब से बोला हेमंत कि चलो एक काम करते हैं, आर ओ नीचे ही कर देते हैं, भाड़ में जाए मॉड्यूलर फॉड्यूलर कुछ नहीं करना, वहाँ सामान वामान डाल दूंगी। तो इसलिए फिर आर ओ को आज नीचे करा है। वो तो अच्छा ये हुआ कि हमने यहाँ पर एक दो पॉइंट दे दिए थे, जिसकी वजह से अभी हमारे काम आ रहा है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर तो मैंने वैसे ही बनाया हुआ था माइक्रोवेव और मिक्सी के लिए, बट अभी यहाँ पर एक आर ओ लग चुका है। अरे कुछ बोलो तो सही, फिटिंग करना सही से जरूरी है। अच्छा ठीक है, ऊपर से लानी ज्यादा सही है। क्यों क्या हो गया? नहीं है पर ऐसे हुँ? अरे बड़े नीली नीली सी गंदी सी पाइप देगी, व्हाइट कलर की देते तो जिसके साथ जैसी आएगी वैसी तो दे। तार भी तो छोटी है जी, तार भी तो नहीं आ रही पूरी। वैसे इसका हाथ मतलब वैसी दशा कम आ रखी थी, हाथ और कट गया। ये देखो पूरा खून खून हो रहा है, हाथ कुछ ज्यादा ही कट गया, वो खून ही नहीं रुक रहा, पूरा वो पेशेंट पूरा खून से तर 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 ऐसे आ गया वो। मैं डर गया हेमंत, हेमंत थोड़े तक दर्द नहीं होता ना, 2-3 मिनट तक मेरे को समझ ही नहीं आया मैं हाथ ऐसे पता कहाँ कट रहा है, ये वो पेशेंट। अरे वो वहां दिखाना छोड़, भी डॉक्टर के पास चल ले पहले। देखो खून नीचे टपक रखा सारा, वैस करवा लाए हैं इसकी पट्टी वट्टी हम लोग। दिखा जरा खून दिखा, ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो जब खोला ना ये पट्टी पूरा टप 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 उंगली में से गया, वो साफ कर रहा है, खून ही रुक रहा, फिर पानी दवाई डाल रहा है, फिर रुई डाल रहा है, फिर रुई लाल अरे मैं भैया नहीं रुकता, कह रहा होगा होगा रुको, इतने बारी इतनी इतनी रुई डाली सब खून से भर गई। फिर उसने बोला कि कल को फिर ड्रेसिंग कराने के लिए, खून ही नहीं रुक रहा। अब उसने पता नहीं क्या लगा दिया मेरे हाथ में, मेरे हाथ इतनी जोर से भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा सुन पड़ गया, और हाथ ना हैवी सा लग रहा है, बहुत जोर जोर से ना से दर्द, अब वो लहर सी उठ रही हाथ में, रुकी नहीं रहा। उसके तो जहाँ खून दिया तो उसी ऊपर दवाई डालकर टेप दिया पट्टी की, चलो नहीं भी कम से 6-7 बार इतने इतने गुच्छे गुच्छे रुई के पूरे खून से भर गए थे, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल रुकी नहीं। और ये मुझे वहाँ भी कह रही है ब्लॉग ना, मैं चुप कर तो नहीं बनाऊंगा, दिमाग खराब है, खून
इतना खून, मुझे डस्टबिन पूरा खून से भर गया है कि क्या करूँ यार। सोचो देखो 10 साल की है, पैर से मैं चल नहीं पा रही हूँ, पैर में टूटा हुआ है 2 दिन से, हाथ पचा हुआ था खाना वाना बनाने के, हाथ भी चले गया, ग्लास से पाँव कट गया था, पाँव कट गया था, बिल्कुल नहीं चल पा रही, रात भर सो नहीं पा रही हूँ और आज हाथ चले गया बस। तेरे ऊपर नहीं मेरे ऊपर भी दशा आ रही है, कभी हाथ हाथ कट रहा है, कभी उंगली कट रही है, क्या मनहूस छाई हुई है, कुछ ना कुछ रोज होने में ही है, होने में ही है। अब खाना वगैरह से बनाओ, इसके लिए अब ये टेंशन हो गई है। खाना तो बन जाएगा, खाने की क्या टेंशन है, और एक ही तरफ का होता है, एक ही तरफ का हाथ, एक ही तरफ का पैर, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे साथ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। The next morning. हमारे घर आए ने प्लम्बर, तेरे पर्सनल प्लम्बर, एक्चुअली प्लम्बर को बुलाया था, जो वो एक लड़के को लेकर आया था, उसको बोला कि बिल वगैरह जो भी बाथरूम और शीशा वगैरह लगना है वो लड़का लगा देगा, लेकिन हेमंत है हमारे भाई, हेमंत ही है, हेमंत को तो किसी का काम क्या पसंद ही नहीं आता है। और सुन बताऊँ तो जो लड़का आया था वो अनाड़ी सभी था, जो समझ में नहीं आती कैसे क्या करना है, तो हेमंत ने कहा लाना खुद ही कर देता हूँ। देखो इस कमरे में लाइट खुल के दिखाती हूँ आपको, शीशा लग चुका है, अभी तो इतना छोटा लग रहा है शीशा, इतना बड़ा शीशा लेकर आया था, लेकिन बाथरूम के सामने इतना छोटा लग रहा है। ये वॉश बेसिन के यहाँ पर ये हाथ वगैरह टॉवल टांगने वाला भी लगा दिया है, हैंड टॉवल वाला, और ये भी लगा दिया है इसको, तो अभी मैंने ऐसे नीचे को फोल्ड करके रखा हुआ है, इस तरह से हो जाता है, ऐसे होटल वगैरह में होता है ना, तो ये सब यहाँ पर लग गया है। और अभी हेमंत मम्मी पापा के जो वॉशरूम है, पहले तो मैं लाइट बंद करना सीख लूँ, मैं बोलता है लाइटों का समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर शांत हो जाओ, 2 मिनट। अरे ये लाइट नहीं जल्दी, अब जली लो, हाँ सही लग रहा है। पापा लोगों के लिए इस तरह का लेकर आए थे, हमारे लिए गोल लेकर आए थे, लेकिन बाथरूम में लगने के बाद इतने छोटे लग रहे हैं ये, और वहाँ से जब लेकर आए थे तब इतने बड़े दिखाई दे रहे थे, पता नहीं ऐसे क्या ही कितना बड़ा लेकर आ रहे हैं, अच्छा हुआ कि इसे छोटा लेके नहीं। हेमंत कह रहा था हमारे बाथरूम के लिए भी बहुत बड़ा हो जाएगा, मैंने कहा नहीं हमारा छोटा वीडियो में तो बहुत छोटा लग रहा है, छोटा सा अंडा ऐसा, ये खुद ही करने में लगा हुआ है जो प्लम्बर उसको भगा के, प्लम्बर से क्या हो रहा है, वो जब मार रहा है ना, पता नहीं वो कैसे, उसे प्रैक्टिस नहीं है क्या नहीं है, जैसे कर रहा है हाथ इधर उधर खिसक रहा है, पूरे उस वाले रूम की टाइल में पूरी रगड़ आ गई है। क्या बात कर रहे हो, तभी तो मैंने कहा भाई तू मेरे को दे, तेरे से नहीं हो रहा तो। अच्छा समझ तो क्या होगा, हाँ नाड़ी सा तो बिल्कुल ही है, वो बिल्कुल ही लेकर आया हुआ है, इस घर में सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है गाइस, सब कुछ कल भी हमने कुछ किया था ना अपने हाथ से, कल हमने वायरिंग खुद से की है, ये जो ये है ना ये सारा टेढ़ा लगा के गया हमारा बिजली वाला, अभी देखो क्या हालत हो गया, पेंट किया था अभी भी हल्का हिल ही रहा है, ये सब कटवा के डब्बा हेमंत लग रहा था कल करने में, आज ये पूरा तोड़ फोड़ ये पूरा बिजली वाला खराब करके गया, फिर मैंने इसको सही से करा दिन में बैठ के, और आज अभी कॉप लाइट जिसे बोलते हैं ना जुगाड़ वाला काम, जुगाड़ वाला सब जुगाड़ पे ही चल रहा है, हमारा घर ही जुगाड़ पे चल रहा है। अभी यहाँ पर ये कर रहे हैं, अभी ये है तुम हेमंत वहाँ वाले कमरे में भी वो सोप वाला वो लगाया नहीं, एक्चुअली हम ये लेकर आए हुए हैं, ये होता है ना आजकल जिसमें साबुन वाबुन डाल के हाथ वात के लिए, ये भी लगाना है, सब कुछ हेमंत करेगा। अब बाहर भी हेमंत कह रहा है कि लाइटिंग वगैरह का काम, कैमरे वगैरह का काम मैं खुद कर दूँगा, ऊपर की तो लाइटिंग वगैरह लग चुकी हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको कुछ इस तरह से, ये देखिए ये जो ऊपर की जो वार्म लाइट है, कोप लाइट पता नहीं क्या बोल रहा है वो इलेक्ट्रिशियन, वो तो लग चुका है, यहाँ पर भी लग गई है, यहाँ पर भी लग गई है, खोल के मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये सब यहाँ पर लग चुके हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी ये शीशे बच चुके हैं हमारे, बाहर अभी रेलिंग में यहाँ पर सारा जाली वाली लगना और स्टील का गेट वेट लगना बाकी बचा हुआ है, और अभी जो ये सेम लाइट है जैसे यहाँ पर हमने लगाई वार्म लाइट, ये सारी लाइटें अभी यहाँ पर भी लगेंगी, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मंदिर में लगनी बाकी है, मंदिर के अंदर सारी अभी स्ट्रीट लाइट लगेगी, और किचन में यहाँ पर चारों तरफ लगनी बाकी है जो हेमंत करेगा, क्योंकि इन लोगों के भरोसे तो मेरे को लगने लगी, ये लोग कुछ करेंगे, जो भी कोई आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ कर दे रहा है, इलेक्ट्रिशियन आया हमारी नई टाइल ख़राब कर गया, उसके हाथ से गलती से हथौड़ा गिर गया और पूरी जो टाइल है वो टूट, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन सब कुछ बन चुके हैं हम, अब आज बारी आ रही है हमारी टाइल वाले बनने की, क्योंकि ये मशीन आई हुई काली मशीन उधर रखी हुई है, ये टुकड़ा वहाँ पर एक्चुअली मेन लाइन जा रही थी हमारे जो पानी इलेक्ट्रिक उसकी वायर है, तो इस चक्कर में यहाँ पर वो उस दिन टाइल वाले ने काट के रख दी, अब भैया बोल रहे कि इसमें डिब्बी लगा देता हूँ, वो क्या बोलते हैं हेमंत टी कैप बोलते हैं ना उसको, मैंने भैया को बोला भैया थोड़ा सा मेरे को थोड़ा वीडियो बना देते,
अच्छा ये बिल्कुल फ्लेम के ऊपर आ रहा है जो छेद है ना। तो हेमंत से मैंने बोला, टाइल वाले को बोला, मैंने बोला टाइल वाला आया था उसने काटने से मना कर दिया। कह रहा मैडम इतने से क्या काटोगे, डिब्बी लगा देना, ये है वो है। अभी मशीन आई हुई थी, ठेकेदार की मशीन यही पड़ी हुई है। तो मैंने हेमंत से कहा अगर तुम काट सकते हो, ब्लेड और मशीन है, तो फिर हम खुद ही कोशिश करते हैं, ये डिब्बा बस छोपना है हमको। तो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर कारपेंटर बनना भी और बाकी टाइल वाला बन ही चुका हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ मार्क वार्क करें क्योंकि डिजाइन में काटना है, इसी डिजाइन के हिसाब से, ये दोनों डिजाइन है समझ रहे हो तुम, इस हिसाब से काट के हमको उसको तैयार करना है। हो जाएगा। और कुछ मैम इसको मैं बोल रही मैं बनाती हूँ, नहीं तू मुझे नहीं डिजाइन गोलाई मेरे को बनाने दो प्लीज। रुक जा मैं, अरे कुछ तो करने दो मुझे, लो गलत होगा मुझे मत बोलिए। नहीं प्रूफ रहेगा ना, रहेगा। अरे इसमें पेंट ला देना, पेंट से करती हूँ। फिर वही बात, पेंट से मेरे को हल्का सा निशान चाहिए बस, खाली और कुछ नहीं करना। अब इसमें ड्राइंग कर रही है, बताओ। मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ भाई, मैं बिल्कुल सही काटूंगी बिल्कुल। तो मैं 1% का भी ना वो नहीं होगा इसमें, मेरी बीवी ने क्या करा। वैसे हम लगाने को उसमें कैप भी लगा सकते थे, बट हमारा ना हमारा 4 burner वाला गैस है, तो फ्लेम हमें डर है कहीं वहाँ तक ना जाए, तो इसलिए हम सोच रहे हैं वहाँ पे टाइल लगा देंगे और ऊपर से फेविक से उसको चिपका देंगे, होपफुली वो काम कर जाए। कल वो आया था हमारा आरो फिट करने वाला, यहाँ छोड़ के जा रहा था मार्कर, मेरी मत्ती मारी थी भाई आपका मार्कर बात करके, बस मार्कर भी नहीं है, ऐसे जुगाड़ करना था। क्या जुगाड़ कर रहे हैं, ये पेंट का डब्बा बचा हुआ था पेंटर छोड़ के, तो इसमें ये इसको डाल के फिर हम निशान लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पर ड्रिल करना है, वो भी मेरी। और ऐसे कर करके आज हमने सारा है, ये देखो यहाँ पे ये फिट कर दिया, वहाँ गीजर फिट हो गया है, मतलब उसने मेरी हेल्प करी थी वहाँ पे करने में। और बाकी ये रहा इसके पीछे, ये इसके ऊपर टॉवल, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, ये सब कुछ है ऐसे में। और इसके अलावा ये मशीन रखी है टाइल काटने के लिए, ये वाली। और मानसी हो गया डिजाइन तेरा? नहीं थोड़ा सा और बचा है डिजाइन, हो मैंने नीचे दिया। अब इसमें अगर गलती हुई देख लो, ये है ऐसा डिजाइन। अरे दोस्तों सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है यार, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी जब मैं स्कूल में थी, मेरी ड्राइंग में मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता। वैसे भी अगर खराब हुआ भी तो ब्लेम मेरे ऊपर ही आएगा, काटा तुमने है, तुम्हें पता होना चाहिए था कैसे काटना है। व्लॉगिंग भी तो करनी पड़ती है, आदमी कितना भी परेशान हो जिंदगी में, कितना भी उसके दुख हो पर अरे वाह 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 वाह, अरे लड़का वो बन गया, मिस्त्री बन गया। क्या हुआ? हल्का सा घिसना पड़ गया। अरे वो लड़का मिस्त्री बन गया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या नहीं कर लिया हमने इस घर में, सफाई से लेकर हर पेंट, वो उसमें पेंट से लेकर ठेकेदार को पैसे तो अपने पास खाली दिखाने के लिए दे देंगे, जब खुद ही सब करना था सारा खुद ही कर रहे थे, लेबर ही बन जाते सब बन जाते। One eternity later. पता चल रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर कुछ था, मतलब पता तो चल रहा है, खैर ऐसा भी नहीं है, बट एट ग्राउंड होने के बाद बताना, बट एटलीस्ट जो इतना बड़ा डब्बा ऐसा वहाँ पर लगाते हैं वाइट फ्रेम के ऊपर से, तो बेटर ही है कि कम से कम चलो थोड़ा बहुत पता चल रहा है। हमारे पास ना सारे कलर के ग्राउट बचे हुए हैं, तो मैंने कहा कि मस्से कि जहाँ पर ब्राउन कलर आ रहा है वहाँ ब्राउन ग्राउट लगा दो, जहाँ ब्लैक है वहाँ ब्लैक कर दो। थोड़ा सा ये कि ये जो काटने में ना हल्का सा ये इधर को टूट गया था अंदर डालने के चक्कर में, पर हेमंत ने काम बढ़िया किया, लेबर ही बढ़िया मिलेगी इसको, 500 रुपये मिलेगा आज शाम को, पौआ और 500 रुपया। लेबर बोलती है पौआ पिला तो 500 रुपये खुश, 500 चाहिए। हाँ वो उसी में खुश, यहाँ पर तो मैंने देखा है ये चीज इधर की साइड को बहुत है, लेकिन काम हमारा हो गया है। मतलब जो बहुत गंदा सा लग रहा था, इतने बारी मैंने अलग अलग जितने भी कैप लगाते
गंदा लग। और कैप भी अलग अलग तरह की आई हमारे, ये पापा पसंद करके लाए हैं, ये लकड़ी वाली, और जो पहले लाया था इलेक्ट्रिशियन वो लाया था प्लास्टिक वाली डिजाइन वाली, तो पापा ने कहा वो बेकार होती है, बहुत जल्दी वो खराब हो जाती है, तो ये पापा फिर ये वाली खरीद के ले आए थे। अभी इसको पूरा बनने दे फिर बताऊंगा, फिर देखना पता भी नहीं। पता है मैंने इतने सारे टाइल वालों को बोला इसको काट कर लगाने को, किसी नहीं लगाया, लास्ट में थक हार के फिर हम ही एक टाइल वाला आया फ्री वाला, घर घर की मुर्गी वाला, वो कर गया ये काम। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर ही होती है। सही बात, मैं भी दाल बराबर ही हूँ। सबके है मुर्गी में, वो तो मुर्गा होगा दे जिन के घर में मुर्गियां मुर्गियां सबके लिए दाल बराबर ही ऐसा। काम वाम करके हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल फ्री, और मानसी यहाँ बीमारों की तरह देखो कैसे लेटी हुई है। क्या हो गया भाई, इतने सदमे में क्यों है? पैर में दर्द हो रहा है, दर्द वहाँ पे नहीं हो रहा है, दर्द मेरे हो रहा है यहाँ, मेरे ये पता नहीं नस की है, नहीं नहीं यहाँ यहाँ। अच्छा, ये पैरों की नस ना नीली हो गई है आपको पता नहीं, बीच में दर्द बहुत हो रहा है, शायद खड़े रहने के बाद, तीन महीने हो गए ना खड़े खड़े खड़े, फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने यूट्यूब पे अपने को बहुत अच्छे दिखाया हुआ है भूतनी के रूप में, उसमें दर्द हो रहा है पता नहीं क्या, बहुत ज्यादा, मतलब चार पांच दिन से तो बहुत ज्यादा हो रहा है पता नहीं। मुझे पहले लगा कि शायद ये पैर कटने की वजह से ऊपर है, बट मुझे लग रहा है शायद दूध वगैरह नहीं पी रहा, बहुत टाइम से खाना पीना हमारा सही से नहीं हो पा रहा है, उस वजह शायद कुछ नर्व्स की चीज पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। बट ये एरिया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब ब्लॉक सा हो रखा है, नर्व्स पता नहीं क्या हो रखा है। अब हम जा रहे हैं मार्केट, जरा घर की ग्रोसरी खत्म हो रही है, मेरे को मार्केट जाने का भी टाइम नहीं है, यहीं पर लोकल मार्केट से चीजें लेकर आते हैं, सामान वामान आना है बहुत सारी, जैसे तारे वारे कपड़े सुखाने के लिए बहुत सारी चीजें छोटी मोटी लेकर आनी है, पट्टी बिटाडीन ये जो कट रखा है, चोट वोट लगी हुई है, वो सब सामान लेकर आते हैं, इसकी पट्टी दोबारा से चेंज करता हूँ, क्योंकि बार बार भीग रही है, कितने बार डॉक्टर के पास जाएंगे, तो पट्टी और जो भी दवाइयाँ लगनी है उसमें वो सब लाके फिर इसकी पट्टी चेंज करता रहूंगा मैं, क्योंकि बार बार भीग रही है, तो काम भी है घर में करना तो पड़ेगा ही, हम दो ही करने वाले, और हमारा जो ठेकेदार है वो ऐसा है कि मतलब हम उसको रिक्वेस्ट भी करें उसे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि काम करवा दूँ बंदे बेच के, तो हम अब खुद ही लगे हैं जो भी कर रहे हैं, तो उसी के साथ सारा काम उससे किया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, उससे ड्रिल मशीन सही से चल रही थी, यहाँ ड्रिल कर रहा है तो खिसक के उधर चली जा रही है, मैंने बोला भाई ऐसे तो काम नहीं बन पाएगा। पांच मिनट पोछा लगाया, पांच मिनट पोछा लगाया, अभी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ने पक्का टपक जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए, यहाँ तो दिन भर सन्नाटा छा रहता है, रात को काम चालू होता है, रात को हमने ग्रोसरी वगैरह लेकर आते हैं यहाँ, चाय पीने का बंद होता है, चाय भी नहीं पी पा रही। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।